आज के इस लेक्चर में हम एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि प्लेन एरिया खुद क्या है। प्लेन एरिया एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक ऐसा जानदार है जो फ्रेश वाटर में ज़िंदगी करता है। फ्रेश वाटर हम किसे कहते हैं? वो पानी जिसके अंदर साल्ट मौजूद ना हो, यानी साल्ट फ्री वाटर को हम कहते हैं फ्रेश वाटर। तो प्लेनेरिया एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, यानी ये फ्रेश वाटर में रहता है। साथ ही साथ अगर इसको हम देखें, प्लेनेरिया का ताल्लुक कौन से ग्रुप से है? इसका ताल्लुक है फाइलम फ्लैटवर्म्स के साथ। इनको फ्लैटवर्म्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बॉडी डॉर्सली भी और वेंट्रली भी फ्लैट है, इसी वजह से इनको क्या नाम दिया गया है? फ्लैट वॉर्म्स का भी नाम दिया गया है। तो आपने ये जहन में रखना है कि प्लेनेरिया हमारे पास एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और उसका ताल्लुक जो है फ्लैट वॉर्म के फाइलम से है। प्लेनेरिया को अगर हम देखें, प्लेनेरिया की जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, प्लेनेरिया के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। इनकी जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, इनकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। ये प्रोटोनेफ्रिडिया दरअसल दो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब से मिलकर बना है। लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब हम किसे कहते हैं? ऐसा ट्यूब जो टिप ऑफ द बॉडी से स्टार्ट होकर एंड ऑफ द बॉडी तक फैला हुआ हो, ऐसे ट्यूब को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब। या आसान अल्फाज में आप कह सकते हो किसी भी लंबे ट्यूब को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब। तो इसके जो प्रोटोनेफ्रिडिया है, यानी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, वो दो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब से मिलकर बना है। इस लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब के साइड में जो है छोटे छोटे ब्रांचेस, छोटे छोटे और ट्यूब्स कनेक्ट है, जिनको हम कहते हैं लेटरल ट्यूब्स। इनमें से अगर हम देखें, बाज़ ऐसे लेटरल ट्यूब्स हैं जो इनके बॉडी के साइड में एक सुराख है, उस सुराख के साथ अटैच है। इनके बॉडी के साइड में जो सुराख पाया जाता है, उस सुराख को हम कहते हैं नेफ्रेडियोपोर। तो इनके बाज़ लेटरल ट्यूब्स इनके नेफ्रेडियोपोर के साथ अटैच हैं। और बाज लेटरल ट्यूब्स को अगर हम देखें तो वो बल्ब नुमा सेल्स के साथ कनेक्ट है। इन बल्ब शेप सेल्स को हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स के स्ट्रक्चर को अगर हम बड़ा करके दिखाएं तो वो हमें कुछ इस तरह नजर आता है। फ्लेम सेल्स के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म भी मौजूद है। ये जो ट्यूब नुमा एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो है ग्रुप ऑफ सिलिया भी मौजूद है। प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन होता किस तरह है? सबसे पहले जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल है वो इनके बॉडी में से, यानी बाकी सेल्स में से वो इंटर होता है। किसके अंदर? फ्लेम सेल्स के अंदर। इनके बॉडी के अंदर जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं, वो सेल्स जो है अपने अंदर से बाहर खारिज करता है, और बाहर से वो फिर किस सेल्स के अंदर आता है? फ्लेम सेल्स के अंदर आता है। फिर फ्लेम सेल्स के अंदर जो सिलिया है, ये सिलिया मुसलसल बीट कर रहा होता है, यानी मूव कर रहा होता है। सिलिया के इस बीटिंग की वजह से ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो फ्लेम सेल से निकल कर किस चीज़ के अंदर आता है? लेटरल ट्यूब्स के अंदर आता है। फिर लेटरल ट्यूब से होकर ये जो है लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब में आता है। फिर लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब के थ्रू ये जो है उस लेटरल ट्यूब के अंदर इंटर होता है जो नेफ्रेडियोपोर के साथ अटैच है। फिर जब ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट उस लेटरल ट्यूब के अंदर इंटर हो जाता है, उसके बाद ये फिर नेफ्रेडियोपोर के थ्रू इनके बॉडी से बाहर रिमूव होता है। तो ये था आज के लेक्चर जिसमें हमने एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया के बारे में पढ़ा। थैंक यू।